कई कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। हमारे बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए इस क्षेत्र के नेता पूर्व में आप सबके आशीर्वाद से विधायक रहे, मंत्री रहे मनीष ग्रोवर जी अभी आपके बीच में आने वाले हैं। मैं मित्रों भाइयों, क्योंकि मैंने एक और कार्यक्रम में जाना है, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, उस कारण से मैंने सीधा बोलना शुरू किया है, क्योंकि एक समालखा में बड़ा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भी सम्मिलित होना है। मैं आज रोहतक की सरदारी के बीच में आज आप लोगों से ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। 5 तारीख तक आपने कहीं नहीं देखना, एक ही जगह देखना है, वो कमल का फूल। भाइयों, कमल का फूल तो बैठे हो, 8 तारीख के बाद आपके बेटे भाई की जिम्मेवारी है इस रोहतक का गति से विकास करना। नामसरी, नामसरी, मनीष ग्रोवर, भाइयों 12 मार्च को जिम्मेवारी मिली, आपके भाई बेटे को 16 मार्च को आचार संहिता लगी, 6 जून को आचार संहिता हटी। भाइयों 100 दिन का समय था जब विधानसभा के चुनाव होने थे, परंतु चुनाव आयोग ने आपके बेटे भाई को मात्र 56 दिन दिए। 56 दिन के अंदर वो ऐतिहासिक निर्णय किए। आज पूरा हरियाणा प्रदेश बोलता है कि समय कम मिला है और समय मिलना चाहिए था। आपके बेटे भाई ने 56 दिन के अंदर 126 ऐतिहासिक फैसले लिए। हुड्डा साहब बोलते हैं, कहा ये तो घोषणा कर रहा है। मैंने कहा हुड्डा साहब घोषणाएं नहीं है, ये तो ट्रेलर दिखाया था, 8 तारीख के बाद पूरी पिक्चर दिखाने का काम कर। नामसरी, नामसरी, मनीष ग्रोवर, मनीष ग्रोवर, पूरी पिक्चर दिखाएंगे काम कैसे होते हैं। आप घोषणाएं बता रहे हैं, मैंने हुड्डा साहब को कहा हुड्डा साहब आप 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में राज किया, मैंने तो 56 दिन किया, आप अगर अपने 10 साल के साथ मिलान करेंगे मेरा 56 दिन का कार्य आपके शासन पे भारी पड़ेगा। नामसरी, नामसरी, भाइयों मैं ये कहने के लिए आया हूं क्योंकि समय बड़ा कम है, मैंने अभी दूसरे कार्यक्रम में जाना है, वो हेलीकॉप्टर वाला मैंने वहां छोड़ देगा, वहां दे तो मैं गाड़ी गुड़ी में चले जाऊंगा। आप लोगों से अपील है, 5 तारीख तक कोई अगर इधर उधर भी है हमारा भाई, या कोई कहीं कांग्रेस की तरफ जा रहा होगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं, मैं तो ये कह रहा भाई ये वोट मैं मांगण आया उसके कान में कह दियो जाएगा। बाकी 8 के बाद, 8 तारीख के बाद भाइयों जो काम आपका होगा, आपके रिश्तेदार का होगा,
आपके मित्र प्यारे का होगा, आपका बेटा भाई आपके बीच में 24 घंटे उपस्थित रहेगा। नामसरी, नामसरी। एक और बात कह रहा हूं भाइयों, 8 तारीख को जब रिजल्ट आए, ये जितनी सरदारी यहां बैठी है, मैं पूरी सरदारी से बात कहना चाहता हूं, कमल का फूल खिला करके आपने मनीष ग्रोवर जी को चंडीगढ़ सीएम हाउस में लेकर के आना है। और भाइयों, आप जब सीएम हाउस में आएंगे, ढोल के साथ स्वागत करूंगा आप लोगों का, ढोल के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि पीछे से पर्ची दे रहे हैं कि समय हो गया है। भाइयों, आपसे बात तो सारी मैंने कर ली है, क्योंकि जब पिछला दबाव होता है फिर दिक्कत आती है। अगला दबाव है वो हेलीकॉप्टर वाला पायलट कह देगा कि मैं नहीं उड़ रहा जी, दिक्कत आ जाएगी। जिंदाबाद। 8 तारीख को भाइयों, जिस व्यक्ति ने इस प्रदेश का 10 वर्षों तक हालात खराब रखे हैं भाइयों, उसने जो झूठ का पत्र जारी किया है, जो घोषणा की है, उन्होंने ये बात उसमें लिखी, 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अरे भाइयों, उनके लोग गुंडियां खोल का खड़े हो गए, कहा बस हम तो सत्ता में लिए। कहा उनका एक प्रत्याशी बोलता है, कहा हुड्डा साहब ने बोल दिया 2 लाख नौकरी देंगे, कहा मेरे इससे मत हो जा रहे रिया। अरे भाइयों, एक और यहीं पड़ोस का विधायक लड़ रहा चुनाव, वो कह रहा, कहा मैं भी कहा अपना हिस्सा लूंगा, भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और एक विधायक बोलता है, इनका जो प्रत्याशी है असंत का विधायक है, उनने तो जमी गजब कर दिया, वो कह रहा, कहा सरकार है री मारी, सबसे पहला तो अपना घर भरूंगा। कहा और फिर लगा कहन, कहा उसके बाद जो मेरे रिश्तेदार है, कहा मेरी सपोर्ट में उनका घर भरूंगा, जनता बाढ़ में जाए। ये हालात कांग्रेस के हैं। कांग्रेस को 8 तारीख को भाइयों वेंटिलेटर पर, यहां जो पीजीआई है रोहतक का, उसके अंदर एडमिट कर दो, मेरा ये कहने के लिए है। नामसरी, नामसरी। कर देंगे ना, हैं? हुड्डा साहब की स्थिति ऐसी होगी, जब मैं पार्टी का अध्यक्ष बनाया था, उससे पहले तो इसने बटन खोल रखे थे, कहा मैं तो मुख्यमंत्री बनया पड़ा। और जिस दिन मेरे को पार्टी ने अध्यक्ष बनाया,
भाइयों उस दिन बटन बंद हो गए। और जिस दिन पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, हुड्डा साहब की ऐसी स्थिति होगी, ऐसी स्थिति हुड्डा साहब की होगी जिस तरह साथी में फुफड़ की हो जा। वो स्थिति होगी, कोई सीट नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा ने यह तय कर दिया है, तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ भाइयों मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बन रही है। नई सरकार तीसरी बार, नई सरकार तीसरी बार। भाइयों इसको तो दर्द हो गया कि ये पिछड़े समाज का बेटा कैसे मुख्यमंत्री बन गया, उसी दिन पेट खराब हो गया। परंतु मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का धन्यवाद करता हूं, अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं, मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं, एक गरीब परिवार के बेटे को हरियाणा की मुख्यमंत्री के भाइयों सेवा करने का अवसर दिया। और मैं आपको बताता हूं, मैंने तभी हुड्डा साहब को कहा था, हुड्डा साहब अपने शासन से मेरे 56 दिन मिलान कर लीजिए, मेरे 56 दिन भारी है आपके 10 साल के ऊपर। हमारा विजन भी स्पष्ट है, हमें कैसे चलना है वो भी स्पष्ट है। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और भाइयों यही अपील करने के लिए आया हूं कि मनीष ग्रोवर जी को नायब सिंह समझ करके कमल का बटन दबा करके चंडीगढ़ भेज दीजिए। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के जय हो।